Advertising and other public statements are very important for psychologists to deal with. It is very important that you observe public statements advertising keenly. Let's say if there is going to be any workshop or seminar. So, the description of the word, that particular workshop and seminar is very important to look into. Psychologists are responsible to ensure.

Uh, वो क्यों उस वर्कशॉप में आए हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद वो क्या उस आउटकम में क्लेम कर सकेंगे एक साइकोलॉजिस्ट एक चार्टड साइकोलॉजिस्ट बहुत हैवी फीस ले रहा है और उसके बाद वो एक वर्कशॉप डिलीवर कर उस वर्कशॉप के एंड के ऊपर एक कोर्स सर्टिफिकेट उस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी की तरफ से पार्टिसिपेंट्स को दिया जा रहा है कि दे आर सर्टिफाइड इन न्यूरो लिंग्विस्टिक टेक्निक्स और वो तीन दिन की या चार दिन की जो ट्रेनिंग है वो इतना एम्पल नहीं बना रही उस पार्टिसिपेंट्स को कि वो एन एल पी का प्रैक्टिक प्रैक्टिशनर बन सकता है तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट डेट बिफोर टेकिंग एनी फी और चार्जेस यू शुड सी कि क्या वो एथिकली जो ट्रेनिंग कराने जा रहा है उसकी थ्री या फोर डेज की कम्प्लीशन के बाद ये सर्टिफिकेशन दी जा सकती है या नहीं अदर इट वुड भी ऑफ वन मंथ और टू वीक्स और थ्री वीक्स डेट शुड बी वेरी केयरफुली वेस्ड एंड जस्टिफाइड

कि देर इज़ अ काइंड ऑफ़ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हुई इज़ गिविंग स्टेटमेंट एंड अबाउट द पर्सन हुम द स्टेटमेंट इज़ बींग गिवन सो कहीं पर यह नहीं लगना चाहिए कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और वो इंडिविजुअल जो है उस वक्त किसी ऐसी सचुएशन में खड़ा है कि उसकी ट्रू असैसमेंट देना साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वह मैंटली इंसेन है और उसको इंसेन डिक्लेयर करने से बचाने की कोशिश करें या वह नहीं है और उसको इनसे इन कंसिडर किया जा रहा है दोनों सिचुएशन के अंदर पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत केयरफुली दी जानी चाहिए और उसके पीछे साउंड रीजन रैशनल्स और लॉजिक होनी चाहिए और सबसे बढ़कर उसके पीछे एक एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए देन बी कंसिस्टेंट विद द कोड ऑफ एथिक्स जितने भी कोड ऑफ एथिक्स जिनकी हम अब तक तकली बात करते चले आए हैं उन सब कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें वो स्टेटमेंट को देना है एंड बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल नॉलेज

Uh, there should be no gap between that. Aapko jo bhi statement deni that should be justified according to your clinical practice. Then, uh, testimonials is an other important thing which we see that in nowadays, that people seek testimonials from different individuals just to gain fam uh, popularity, and just to give uh, fame and uh, to give good name to themselves. They publicly appear themselves. एज़ के उनको बहुत सारी पॉजिटिव टेस्टमोनियल्स मिल रही हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है ये टेस्टमोनियल्स अपने क्लाइंट और अपने थेरेपी में मौजूद इंडिविजुअल से ख़ुद से नहीं ले सकते लाइक यू जस्ट कान सेनी वन दैट जस्ट गिव मी वन पॉजिटिव टेस्टमोनील अबाउट माई सा जैसे हम कहते हैं लिंकडिन पे किसी को रिव्यू करें आप किसी को सोशल मीडिया पर रिव्यू करें किसी ऑर्गनाइजेशन के बारे में हम रिव्यूज पढ़ते हैं ये हम फोर्सफुली नहीं ले सकते अपने क्लाइंट से और अपने साथ काम करने वाले इंडिविजुअल से फोर्सफुली टेस्टमोनियल देना अनएथिकल है बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस दैट दे आर वर्नरेबल टू अंडू इन्फ्लुएंस वो अगर आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके अंडर वो किसी थेरेपी का पार्ट हैं तो मे बी वो सिर्फ उस इन्फ्लुएंस की वजह से आपके बारे में एक पॉजिटिव टेस्टमनी दे देंगे इन पर्सन सॉलिटेशन साइकोलॉजिस्ट डू नॉट इंगेज डायरेक्टली एंड थ्रू एजेंट्स इन अनइनवाइटेड इन पर्सन सोलिटेशन ऑफ बिजनेस फ्राम एक्चुअल और पोटेंशल थेरेपी क्लाइंट्स और अदर पर्सनस हु बिकॉज ऑफ देर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस आर वर्नडेबल टू अंडू इंफ्लुएंस इसी तरह हमें किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना जो आपको किसी भी तरह का कोई फेम दे देंगे जस्ट बिकॉज दे आर अंडर इन्फ्लुएंसड टू यू अदर इन टर्म ऑफ योर बिजनेस इन टर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ डीलिंग और अगर हम किसी एक बड़े अम्ब्रेला का नेटवर्क का हिस्सा हैं और हम कहते हैं कि लेट्स से वी जस्ट नेम इट डेट द हाउस ऑफ़ हैप्पीनेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से आई एम जस्ट नेमिंग इट और उसके अंडर बहुत सारे लोग हाउस ऑफ़ हैप्पीनेस में काम कर रहे हैं तो यू जस्ट गिव प्रमोशन टू योर बिजनेस टू योर वर्क टू योर वर्क प्लेस बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स टेस्टोमोनियल ऑफ़ द क्लाइंट्स ये जी ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन या बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो दिस इज वेरी अनएथिकल टू डू दैट आइदर फॉर योर वन पर्सनल सेल्फ और आयदर फॉर द वर्क प्लेस एंड यू आर इन्वॉल्व वर्किंग। हाउ एवर दिस प्रोहिबन डज नॉट प्रिक्यूलेट यू अटेम्प्टिंग टू इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट कोलेट्रल कॉन्टैक्ट यानी जहाँ पर आपके सोसाइटी में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आप जिनके साथ कोलाबोरेट रहे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपके बारे में एक पॉजिटिव और अच्छी रिप्यूट कैरी करें और कोई अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ दिस इज़ जस्टिफाइड फॉर द पर्पज़ ऑफ़ बेनिफिटिंग फॉर ऑलरेडी इंगेज थेरेपी एंड क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स अगर कोई आपके बारे में अच्छी बात कह के आ, किसी क्लाइंट को आपके पास भेज रहा है कि ये बहुत अच्छा काम करें आप इनके पास जाएँ या इनके ये एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे हैं तो दिस इज़ समथिंग एल्स देन प्रोवाइडिंग डिजास्टर्स एंड कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज अगर ऑलरेडी कम्यूनिटी uh, uh, के अंदर कोई क्राइसिस आ गया है या कम्यूनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं वहाँ पर कोई आपके बारे में एक गुड uh, नेम देता है कि ये लोग अच्छा काम करें हैं इनको इंगेंज कर लें तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि एक पॉजिटिव नाम जो है वो बिकॉज ऑफ योर ऑलरेडी बिंग प्रोवाइड गुड सर्विसज़ दिया जा रहा है तो दिस इज़ जस्टिफाइड तो इस सचुएशन के अंदर हम इसको लेबल नहीं करेंगे कि ये एक अन ऐथिकल तरीका है बल्कि वी विल कंसिडर इट it as a good positive and an ethical practice